उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देर रात बड़ा सड़क हादसा हो गया। रात करीब 2:30 बजे 7 प्रवासी मजदूर एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक ने बाराबंकी ट्रामा सेंटर के इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं 4 अन्य भी गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए लखनऊ के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। ये सभी मजदूर गुजरात के सूरत से बहराइच लौट रहे थे। डॉक्टर साहब, कल एक्सीडेंट से कुछ लोग आए थे यहाँ पे, कितने लोग थे और कितने एक्सपायर हुए? 7 लोग थे, जो 2 ब्रॉड डेड थे, 5 लोग ठीक थे, एक ही हालत गंभीर थी, उनको भर्ती करके इलाज दिया गया था, और जिनमें से एक की रात में सुबह 4 बजे करीब में मृत्यु हो गई है। 4 रेफर जी, कहाँ प्रेफर हुए हैं? ये ट्रामा सेंटर। कुल 3 लोगों की मौत हुई। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे कुछ? अब इसका तो आइडिया नहीं लग पा रहा है कहाँ से कहाँ जा रहे थे। ये एक्चुअली रोड साइड एक्सीडेंट हुआ था, तो वहाँ से पुलिस लेके आई वहाँ तक हॉस्पिटल में, जिसके दौरान हमने इलाज दिया इनको। इनमें से 2 तो मृत रहे हुए थे और 4 लोग हमने उपस्थित कर दिए थे, एडमिट कर दिया था, जिनमें से एक की हालत गंभीर थी, तो हमने उनके साथ में तो कोई था नहीं, वो सारे चोटिल थे, घायल थे, तो कोई परिवार का था नहीं उनके साथ में, जितना हुआ हमने इलाज किया। बाकी एक अभी सुबह 4 बजे के करीब में कुछ बता रहे थे, गाड़ी चढ़ा दिया ऐसे कुछ बता रहे थे। एक्चुअली जो ब्रॉड डेड थे उनकी, उनमें से 2 को हेड इंजरी थी, तो सस्पेक्टेड वही था, बाकी बॉडी जमा है आफ्टर PM पता चला। क्या नाम है? डॉक्टर विनायक। हमारा और जो ये मरे हैं, ये कहाँ से रोड एक्सीडेंट में जो मर गए हैं, ये कहाँ से आ रहे थे और कहाँ के रहने वाले, वहाँ से वहाँ क्या कर रहे थे? मेरा नाम मनोज कुमार निषाद है और जो मेरे तक है मैं उनका भांजा हूँ। मेरे मामा हैं, 2-3 लोग मरे हैं। ये लोग सूरत से कमा कर लॉकडाउन में फंसे थे, वहीं से लॉकडाउन ज़्यादा दिन हो गया था, इसलिए आ रहे थे वापस, ट्रक वरक से आ रहे थे, फिर यहाँ पर उतर के कहीं जा रहे थे, उसके बाद दुर्घटना हो गई। ये लोग वापस आ रहे थे सूरत से कमा कर, यहीं पे घटना स्थल से 5-7 लोग थे, सभी का जो है दर्दनाक हादसा हुआ है। 3 लोग की मृत्यु हो गई है, बाकी 5 लोग घायल हैं, अज्ञात वाहन ने ठोकर मारा है। अच्छा, क्या कहीं ना कहीं लगता है कि जो ये घटना हुई है उसमें कहीं सरकार का हाथ है जो ऐसे? जी जी, सरकार की लापरवाही बहुत ज़्यादा है। ट्रेन नहीं चला रहे हैं, ट्रेनों को चलानी चाहिए, मजदूर ट्रक DCM से आ रहे हैं रोजाना, ये भूसे की तरह भर के आ रहे हैं, इस तरह तो ट्रेन आ रही हैं, कई ट्रेनें आई हैं, कई ट्रेनें चल रही हैं, लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं क्या है? आरोप मैं ये लगा रहा हूँ, मैंने इन लोग का ऑनलाइन किया था, जनसुनवाई पोर्टल पे ऑनलाइन की चालू है, मैंने सभी का ऑनलाइन फोन करके ऑनलाइन किया, रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, अभी पास इन लोग का कोई पास ही नहीं हुआ अभी तक। भूख गए, इनके घर पे बड़े भाई बीमार थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, उसी को खबर सुन के ये लोग से रहा नहीं गया, ये लोग चल दिए किसी तरह, सूरत से ट्रक वर्क करके आए ये लोग यहाँ तक का, यहाँ से उतर के फिर जा रहे थे दूसरा काम, साधन रोकने के लिए, यहीं पे किसी अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया।